हेलो गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल SK Technomation। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप IDFC बैंक यूज़र हो तो आप कैसे WhatsApp बैंकिंग का फीचर यूज कर सकते हो। WhatsApp बैंकिंग का फीचर बहुत ही अमेजिंग है, मतलब आप एक चैट दूर हो अपनी सारी बैंक की डिटेल्स से। तो इस वीडियो को पूरा देखें, मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसको इनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी दो रिक्वायरमेंट हैं। पहली कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए बैंक के साथ, और दूसरा कि उस नंबर से आप WhatsApp भी यूज करते हो, यानी ये दो चीज़ें तो होनी चाहिए तभी आप सर्विस का लाभ ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आइए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको करना क्या है, आपके सामने देखिए स्क्रीन पर भी नंबर दिखाई दे रहा होगा 9555559555, यानी कि 9 इसके बाद 9 times 5। इस नंबर पे आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मिस कॉल देना है। जैसे आप कॉल करोगे, कॉल ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगी, और कॉल डिसकनेक्ट होते ही एक वेलकम मैसेज आएगा। उसके बाद आप क्या देखोगे कि आपके जिस नंबर से आपने कॉल किया था रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर एक चैट आ जाएगी IDFC बैंक की तरफ से, हाय, मतलब वो लिखा होगा वेलकम मैसेज। आपको उस पर क्या करना है, सर्विस स्टार्ट करने के लिए आपको हाय लिखना है, HI। जैसे हाय लिखोगे ना, आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ये दिखाता हूँ कौन से ऑप्शन आएंगे। अब जैसे ही हाय लिखोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, डियर कस्टमर वेलकम टू IDFC फर्स्ट बैंक, टाइप 1 फॉर योर बैंक अकाउंट रिलेटेड, टाइप 2। आपको यहाँ पे अगर बैंक से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आपको एक दबाना है, एक मतलब रिप्लाई करना है, और अगर आपको लोन रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो आपको 2 प्रेस करना है। जैसे ही आप 1 प्रेस करोगे, आपके सामने ये देखिए ऑप्शंस आ जाएंगे कि अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो 1 दबाएं, अगर अपनी पिछली 5 ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं 2 दबाएं, चेकबुक के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 3 दबाएं, चेकबुक अगर आप कि उसकी सर्विस बंद करना चाहते हैं तो 4 दबाएं, अपने डेबिट कार्ड को अगर ब्लॉक करना चाहें, अगर खो जाता है उन केस में 5 दबाना है। तो देखिए कितना आसान है इस सर्विस को यूज करना, और इसमें डिटेल में दिखाता हूँ कौन कौन सी सर्विसेज इन्होंने ऑफर करी हैं WhatsApp पे जो आप यूज कर सकते हो। तो आइए दिखाता हूँ कि कौन कौन सी सर्विसेज इनको इन्होंने अवेलेबल कर रखी हैं WhatsApp बैंकिंग पर। ये रहा अवेलेबल सर्विसेज, तो ये देखिए अकाउंट से रिलेटेड आप बैलेंस चेक कर सकते हो, अपनी पिछली 5 ट्रांजेक्शन्स देख सकते हो, चेकबुक को रिक्वेस्ट कर सकते हो, रोक सकते हो, डेबिट कार्ड को आप अपने ब्लॉक कर सकते हो, लोन से रिलेटेड लोन और EMI की डिटेल्स पता कर सकते हैं, बाई कार्ड डिटेल्स, EMI ऑप्शंस, आपके पेमेंट कौन कौन से हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, NOC, ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप WhatsApp बैंकिंग पे लाभ ले सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, उसी नंबर पे जो अभी मैंने दिखाया था 9 9 उसके बाद 5 बार 9, ये आसान सा नंबर है, इस पर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बस एक कॉल दे देनी है, उसके बाद उनकी चैट आ जाएगी और आपको लिखना है सिंपली हाय HI। उसके बाद वो खुद सर्विसेज आ जाएंगे और आप उसके हिसाब से रिप्लाई करके अपनी जो आपको चाहिए उस सर्विस का एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर ट्यून करते रहें। धन्यवाद।